खबर झांसी के गुड़सराय से है। सरकारी अस्पताल में शासन के सख्त आदेशों के बाद भी शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाएं होते हुए भी डॉक्टर लोग दवाइयां मार्केट से अपने चहेते दुकानदारों को पर्ची लिखकर मोटे कमीशन के चक्कर में और उनके साथ आए तीमारदारों के साथ खुल्लम खुल्ला लूट मचाए हैं। लेकिन डॉक्टर ने कमाई के चक्कर में अपने चहेते बाजार के एक दवा दुकानदार के यहां से लाने के लिए ये पर्ची लिखी, लेकिन पीड़ित की मजबूरी थी कि उसे इलाज कराना था तो वह बाहर से दवाएं खरीद कर लाया। 17 जुलाई सोमवार को केशकली ग्राम भगवंतपुरा, छोटू भगवंतपुरा, विनोद ग्राम सेमरी गुड़सराय सरकारी अस्पताल आए तो डॉक्टर साहब ने सभी मरीजों को कुछ दवाइयां बाहर से लाने को कहा। लेकिन जब मरीजों ने डॉक्टर ओपी राठौर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से पूछताछ की, यह दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने बताया कि ये दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं। यदि डॉक्टर अमित बरसैया ने ऐसा किया तो उनके ऊपर जांच करवाकर कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार गुड़सराय में ठगी का यह पहला मामला नहीं। आए दिन जनता के साथ घोर अन्याय शासन के विरुद्ध यहां पर डॉक्टर जो तैनात है उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया गुड़सराय में ये दवाएं यहां पर तैनात डॉक्टर अमित बरसैया ने लिखी थी। आज पीड़ित ने पत्रकारों के समक्ष आप बीती पूरी घटना के बारे में A to Z जानकारी डॉक्टर ओपी राठौर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गुड़सराय को दी और पीड़ित ने बताया कि अगर इस संबंध में कार्यवाही नहीं हुई तो वहां जिले से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक आला अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुड़सराय अस्पताल में हो रही गंभीर अनियमितताओं के बारे में ज्ञापन देंगे। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? गुड़सराय में हो गए और ये दवाई सरकारी अस्पताल से अच्छा बाहर से लिखी है दवाइयां। हां, कहां है पर्ची? कहां है दवाई भी बाहर की है? हाँ। डॉक्टर साहब ने लिखी है? हाँ। कितने रुपए की आई? 550 की। क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं, अस्पताल की दवाई लेना चाहते हैं कि बाहर की दवाई लेना चाहते हैं? अस्पताल की लेना चाहते हैं। आप कहाँ पर आए यहाँ पर? गुरुसराय में। सर अच्छा ठीक है। आप अभी कहाँ पर आई? नहीं, और भगतपुरा से आई हैं आप? कहाँ पर आई हैं आप? गुरुसराय। कौन सी अस्पताल में आई? सरकारी अस्पताल आई। तो आपने इलाज करवाया है, ये दवा बाहर की लिखी जा रही है? नहीं, दवाई का नियम तो ये है कि डॉक्टर साहब अंदर की लिखेंगे, फिर भी उन्होंने बाहर की लिखी, फिर आप ले रही हैं? ठीक है जी, फिर आप ले लोगे बाहर से? नहीं ले पाओगे? तो मतलब सभी को बाहर की दवाई लिखी जा रही है? सर एक समस्या आई है अमित बरसैया जी की कि वो बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे संज्ञान में भी आया है और इसे मीडिया के माध्यम से ये कि किसी डॉक्टर साहब ने, हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि इस डॉक्टर ने लिखी है और उन्होंने बाहर की दवा की शिकायत प्राप्त हुई है। और इस सिलसिले में ये है कि हमारे पास प्रकार की सभी दवाइयाँ उपलब्ध है, शासन द्वारा प्रत्येक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी चिकित्सकों के स्पष्ट निर्देश है जो भी दवा है हमारे अस्पताल में वही लिखी जाए, किसी को भी बाहर को दवा न लिखी जाए। फिर भी अगर कोई चिकित्सक इस प्रकार की अगर लापरवाही कर रहा है तो उसकी जाँच कराकर उच्च अधिकारी को सूचित करके कार्रवाई। एक वीडियो भी आया है जिसमें डॉक्टर साहब खुद दवाई लिख रहे हैं बाहर की, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब डॉक्टर अमित, हाँ डॉक्टर अमित जी का एक वीडियो है उसमें वो स्वयं दवा लिख रहे हैं बाहर की, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर डॉक्टर अमित बरसैया का नाम आ रहा है तो मतलब नहीं, नाम नहीं आ रहा, उनकी वीडियो ही है, वीडियो में दिख रहे हैं, वीडियो में खुद दिख रहे हैं, उसकी जाँच करा के और